हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अपियर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं गणित कक्षा 10, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय अध्याय तीन है हमारा अध्याय तीन। इसमें हम जिस अध्याय तीन का क्या नाम है दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कितने चर वाले? दो चर वाले। इसमें दोस्तों हम जितना भी सवाल पढ़ेंगे, जितना भी सॉल्व करेंगे, उसमें दो चर रहेगा ही रहेगा, और जो भी समीकरण बना रहेगा वो दो चरों से मिलकर बना रहेगा। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। दोस्तों, इस चैप्टर से एग्जाम में लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एकदम कंपल्सरी ही रहता है, आते ही आते हैं, ठीक है, 4 से 5 नंबर के। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो थोड़ा वाइड होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा बड़े होते हैं, ठीक है। इसमें एक्स और एक्स का मान निकालना रहता है, वाई का मान निकालना रहता है, ठीक है। इसमें हम दो विधियां यूज करते हैं। कौन कौन सी? एक विधि होती है हमारा प्रतिस्थापन विधि होती है, ठीक है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है, और दूसरा हमारा होता है विलोपन विधि। कौन सा? विलोपन विधि, ठीक है। इन्हीं दो विधियों से हम इस क्वेश्चन को, इसमें जो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो दोस्तों ये विधियां कौन कौन सी होती हैं, पहला तो हमने जान लिया प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा जाना विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्नावली 3.1 में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जिसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 6 क्वेश्चन को बताया गया है कि दोस्तों जो भी क्वेश्चन है इन्हें क्या निम्नलिखित क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है, ठीक है। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक। अब यहाँ पे हम प्रतिस्थापन का मतलब समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब प्रति के ऊपर स्थापित, प्रति के स्थान पर स्थापित कर देना। प्रति मतलब दूसरा, मतलब कि दूसरे के स्थान पे किसी एक को स्थापित कर देना या रख देना, ठीक है। और किस तरह से रखते हैं अभी हम क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अभी तो हम दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद हम जब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तब हम आगे समझेंगे कि किस तरह से विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम आपको विधि भी बताएंगे और उसके बाद सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 या प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न निकायों के समीकरणों के निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा x प्लस वाई बराबर 8। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है x प्लस वाई बराबर 8, और दूसरा है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 1। दूसरा हमारा समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 1, ठीक है। एक ये हमारा समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को दोस्तों हमें किस विधि से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें दो समीकरण दिया गया है, पहला x प्लस वाई बराबर 8 जो कि समीकरण 1 हमने मान लिया, और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 1, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ताकि गलत ना हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अब हम सॉल्व लिखेंगे। अगर दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में, अगर इस चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि प्रतिस्थापन विधि किससे सॉल्व करते हैं या किसे कहते हैं, ठीक है, तो इन सब के बारे में अध्याय जो है तीसरे के इंट्रोडक्शन में हमने डाल दिया है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के इंट्रोडक्शन में एक पहला वीडियो डाला है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक जो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से चाहे तो देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। समीकरण इससे 1 से,
समीकरण एक से क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे समीकरण एक हमारा ये है तो इसे लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर आठ। अब यहाँ का हम दोस्तों प्रति के स्थान पर स्थापित कर देना, मतलब दोस्तों पहले यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे, उसके बाद उसी x का मान इस समीकरण दूसरे में रख के हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए आठ है हमारा, आठ लिख देंगे। उसके बाद ए वाई है, प्लस वाई है जो बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या निकला, एक्स का मान हो गया। ठीक, एक्स का मान हो गया। अब हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर तीन, समीकरण नंबर तीन मान लिए। ठीक, समीकरण नंबर तीन मान लिए। अब यहां हम देखेंगे इस एक्स का मान, अब हम यहां पे देखेंगे यहां पे आगे एक्स का मान समीकरण किसमें रखेंगे दोस्तों, इसमें रखेंगे दो में, समीकरण दो में रखेंगे। ठीक है, समीकरण दो में रखने पर, ठीक, तो चलिए देखते हैं समीकरण दो क्या है हमारा, ये 2x माइनस 3y बराबर एक लिख लेंगे, 2x माइनस 3y बराबर एक। अब इसमें देखेंगे हम इस x का मान दोस्तों, इस x का मान अब इसमें रखेंगे हम, मतलब दोस्तों ये प्रति के स्थान पे इसे स्थापित करेंगे, मतलब दोस्तों इस x का मान यहाँ पे इस समीकरण में स्थापित करेंगे, किसकी जगह, x की जगह, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x बराबर रखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, x का मान कितना है हमारा यहाँ पे 8 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 8 माइनस वाई, तो क्वेश्चन बंद, उसके बाद माइनस है 3y माइनस 3y बराबर एक। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे दो का अंदर गुणा हो जाएगा आठ में, दो अट्ठे कितना हो जाएगा 16, उसके बाद माइनस है तो माइनस, दो है वाई में गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, उसके बाद क्या है माइनस 3y बराबर एक। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बीजी गुणांक एक तरफ, उसके बाद अंकी गुणांक एक तरफ। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस 2y माइनस 3y बराबर एक है, एक प्लस का 16 है जो बराबर के इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों बता दीजिएगा आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखते हैं माइनस 2y और माइनस 3y कितना हो जाएगा माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 में से एक को घटा देंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना 15। और यहाँ पे देखेंगे चिन्ह कौन सी संख्या का ज्यादा है, 16 का ज्यादा है। ठीक है, 16 का ज्यादा है तो उसका चिन्ह लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 15। अब यहाँ से बराबर है दोस्तों तो माइनस माइनस को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे वाई बराबर कितना बचेगा हमारा, वाई बराबर 15/5। अब हम इसे कटा सकते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया 3। ठीक, y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब एक चीज हम देखेंगे दोस्तों कि इस y का मान अगर हम समीकरण 3 में रख देते हैं, ये हमारा समीकरण 3, तो क्या निकल जाएगा हमारा, अभी तो हमें यहाँ पे x का मान निकला, y का मान निकला, सॉरी दोस्तों y का मान निकला, अगर हम समीकरण 3 में रख देते हैं, क्यों, क्योंकि समीकरण 3 छोटा है, इसके लिए अगर समीकरण 3 में रखते हैं तो हमारा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, अभी ये x का मान पूरा नहीं है क्योंकि यहाँ दो संख्याएं हैं। ठीक है, एक बीजी गुणांक है, एक अंकी गुणांक है, तो इसके लिए x का एक सिंगल मान होगा। ठीक है, x का एक सिंगल मान होना चाहिए, जैसे इस तरह से यहाँ पे y का मान सिंगल आया है 3। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण इसमें 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां समीकरण 3 क्या है हमारा, यहां पे लिख लेते हैं समीकरण 3 क्या है हमारा, ये रहा x बराबर 8 माइनस वाई, तो यहां पे 8 को इस तरह से लिखेंगे ऐसे ही, आई जी टी माइनस वाई का मान कितना आया हमारे यहाँ पे, 3 आया है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे।
तब यहाँ पे कितना आ गया, आठ में से तीन को माइनस करेंगे कितना बचेगा, पांच। तो एक्स बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, पांच। ठीक, इस तरह से दोस्तों प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है, अगर आप अच्छे से एक स्टेप में समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस समीकरण को समझना है, उसके बाद समीकरण में एक्स का मान निकालना है, फिर एक्स का मान निकालने के बाद दूसरे वाले समीकरण में एक्स का मान प्रतिस्थापित कर देना है, मतलब कि एक्स के स्थान पर स्थापित कर देना है। ठीक है, और उसके बाद समीकरण को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जिस तरह से आप नौ में भी पढ़े होंगे इसी तरह से। ठीक है, तो उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से हम रिमाइंडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि समीकरणों के निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कीजिए या हल कीजिए, जिसमें हमने समीकरण एक लिया एक्स प्लस, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर एक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर पहले का पहला था, जिसमें पहला है एक्स प्लस वाई बराबर आठ था, जिसे हमने समीकरण एक माना, और दूसरा था हमारा टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर एक था, जिसे हमने समीकरण दो माना। ठीक, अब दोनों में से दोस्तों यहाँ पे समीकरण एक से हमने समीकरण एक से स्टार्ट किया। समीकरण एक से हमने लिखा एक्स प्लस वाई बराबर आठ, यहाँ पे एक्स बराबर पक्षांतर कर लिया हमने, आठ था आठ हो गया, इस प्लस वाई को बराबर के इस तरफ ले आया तो माइनस वाई हो गया, जिसे हमने क्या मान लिया, समीकरण तीन मान लिया। ठीक, अब उसी तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक्स का मान हमने निकाल लिया। अब इसका एक्स का मान, इस एक्स का मान समीकरण किस में रखना, तीन में रखा, सॉरी दोस्तों समीकरण दो में रखा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हमने एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो हमारा क्या है, टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर एक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर एक, जिसमें हमने एक्स का मान को क्या किया, स्थापित किया, प्रतिस्थापित किया। ठीक है, एक्स की जगह तो एक्स बराबर आठ माइनस वाई है, यहाँ पे हमने टू को टू लिखा, एक्स की जगह है आठ माइनस वाई लिखा, उसके बाद माइनस तीन वाई, माइनस तीन वाई बराबर एक है। ठीक, अब यहाँ पे हमने दो का आठ में गुणा कर दिया, दो अट्ठे सोलह हो गया, फिर दो का माइनस वाई में गुणा कर दिया, माइनस टू वाई हो गया, उसके बाद माइनस थ्री वाई है, यहाँ पे एज इट इज जैसे था वैसे ही उतार दिया, बराबर एक लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे अंकीय गुणांक एक तरफ कर दिए और बीजीय गुणांक एक तरफ कर दिए, तो ठीक है माइनस दो वाई, माइनस दो वाई, उसके बाद माइनस तीन वाई, यहाँ पे माइनस तीन वाई बराबर, ये हमारा बराबर, उसके बाद बराबर एक था तो एक हमने लिख दिया, उसके बाद इस प्लस सोलह को बराबर के इस तरफ लेकर आए तो क्या हो गया, माइनस सोलह हो गया। ठीक, अब यहाँ पे माइनस दो वाई और माइनस तीन वाई, हम जानते हैं दोस्तों माइनस 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 ही होता है, माइनस का मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस ही होता है। ठीक, उस तरह से वो फार्मूला लागू हुआ, तो माइनस दो वाई और माइनस तीन वाई बराबर कितना हुआ, माइनस पांच वाई बराबर कितना बचा, सोलह में से एक को घटाया तो हमने कितना बचा दोस्तों, माइनस सोलह, एक में से माइनस एक में से सोलह को घटाया। ठीक, तो कितना बचा हमारे यहाँ पे, पंद्रह बचा। हम यह जानते हैं दोस्तों जिस संख्या का चिन्ह रहता है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह रखा जाता है, तो यहाँ पे माइनस सोलह जाता है तो इसके लिए यहाँ पे माइनस पंद्रह लिखा गया। अब माइनस माइनस बराबर के इस तरफ उस तरफ को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त हुआ, पांच वाई बराबर पंद्रह हुआ, इसका वाई बराबर पांच वाई, पांच जो है और वाई जो है गुणनखंड के रूप में है, गुणे के रूप में है, तो बराबर के जब इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसके लिए वाई बराबर कितना हुआ, पंद्रह बटे पांच हुआ, तो पांच एक का पांच, पांच तीन पंद्रह, पंद्रह को पांच से कटा दिए हम। ठीक है, तो कितना प्राप्त हुआ हमें, वाई बराबर तीन मिला। ठीक, वाई बराबर हमें तीन प्राप्त हुआ, और उसी तरह इसी वाई का मान जो है हमने एक्स का मान निकालने के लिए समीकरण तीन में रख दिया, तो वही हमने यहाँ पे लिखा कि y का मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन हमारा क्या है, x बराबर आठ माइनस वाई है, इसमें y की जगह हमने क्या रख दिया, ये हमें प्राप्त हुआ जो तीन, तो आठ माइनस y की जगह क्या रख दिया, तीन, आठ में से तीन को माइनस किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, पांच प्राप्त हुआ। इस तरह से दोस्तों आप प्रतिस्थापन विधि में जो भी सवाल आए इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर दोस्तों इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, जैसे प्रतिस्थापन में विलोपन विधि कर दिया, विलोपन में क्या होता है कि विलोपन मतलब विलुप्त कर देना, एक को विलुप्त कर देना, गायब कर देना बिल्कुल। ठीक है, अब उसी में होता है तो विलोपन विधि के बारे में हम आगे एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, तो उसी के सॉल्व, उसी के अनुसार ही सॉल्व करेंगे सवाल को, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है इसके लिए। ठीक, तो आशा करता हूँ दोस्तों यह प्रोसेस जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों
लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अभी एक्सरसाइज 3.1 के दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।